स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रस्तुत हैं नए ब्लूप्रिंट के अनुसार 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। द पोएट वांट्स अस टू रीच टू द खालिस्तान एंड लिसन टू देयर प्ली। ऑप्शन ए ऑप्रेस्ड पीपल, ऑप्शन बी गुड पीपल। स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्रेस्ड पीपल। क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज द वॉइस इनसाइड, वेयर इज द वॉइस इनसाइड। ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पोएट। स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पोएट। क्वेश्चन नंबर 3। अ वर्ड फ्रॉम द पोयम सिमिलर इन मीनिंग टू अपील। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्राई, ऑप्शन बी प्ली। स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्ली। क्वेश्चन नंबर 4। The adjective form of the word beauty is। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं ऑप्शन ए beautiful, ऑप्शन बी beautifully। स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए beautiful। क्वेश्चन नंबर 5। द बर्ड दैट राइम्स विद ट्री इन पोयम इज। ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी मिल। स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मी। क्वेश्चन नंबर 6। द अपोजिट ऑफ बर्ड बॉटम इज। ऑप्शन ए सेक, ऑप्शन बी टॉप। स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टॉप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टॉप। क्वेश्चन नंबर 7। द वंडरफुल विंड टॉक्स टू। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी हिल्स। स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इटसेल्फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इटसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 8 हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द एवियन फ्रेंड। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए द डक, ऑप्शन बी मिनी। स्टूडेंट बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए द डक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए द डक। क्वेश्चन नंबर 9 द लाइफ इन द वुड इज। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए स्वीटेस्ट, ऑप्शन बी बीजी। स्टूडेंट बताइए इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्बल फ्रेज टू फ्लाई फ्रॉम। करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्बल फ्रेज टू फ्लाई फ्रॉम। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए रन अवे फ्रॉम, ऑप्शन बी सफरिंग फ्रॉम। स्टूडेंट बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रन अवे फ्रॉम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रन अवे फ्रॉम। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।